मध्य प्रदेश के खरगोन जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे को सूचना की उमरखली रोड पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई के लिए तुरंत पहुंचाया, जिसमें खरगोन कोतवाली TI ललित सिंह डांगुर और यातायात प्रभारी मुकेश हिरवे द्वारा उमरखली रोड पर 2 ट्रैक्टर और 3 JCB को धर दबोचा, जिसमें 2 ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब हुए, वहीं 1 ड्राइवर और 2 अन्य साथियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। साथ ही 3 JCB जब्त कर पुलिस कोतवाली लाया गया। खनिज अधिकारी रीना पाठक का कहना है कि हमारे द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में था तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही कर हमने विभाग को सूचना दी है, जिस पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। एडिशनल SP शशिकांत कनकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय को अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी, इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 JCB और 2 ट्रैक्टर पकड़े गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सुबह पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि उमरखली रोड पर पुन्ना नदी किनारे कुछ अवैध उत्खनन किया जा रहा है नदी में, और वहाँ पर रेत ट्रॉलियों में भरी जा रही है JCB के द्वारा। इस पर से थाना कोतवाली के जो TI साहब हैं उनको वहाँ पर भेजा गया था और उनके द्वारा वहाँ पर दबिश दिलवाई गई। मौके पर वहाँ से 2 ड्राइवर भागने में फरार हो गए, लेकिन मौके पर 3 JCB और 1 ट्रैक्टर को जब्त करके थाने लाया गया है और अवैध जो उत्खनन का मामला है वो पंजीकृत किया जा रहा है। सर, इसमें खनिज विभाग को शामिल नहीं किया गया, पुलिस द्वारा ही बार बार अकेले कार्रवाई की जा रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खनिज विभाग सहयोग नहीं कर रहा है? चूँकि ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी तो पहला काम पुलिस का होता है कि मौके पर पहुंचकर जो कार्रवाई होती है वो की जाए। उसके बाद दूसरे विभागों का यदि इंतजार किया था तो हो सकता है कि वो वहाँ से फरार हो जाएंगे, तो पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और इसमें खनिज विभाग को सूचना दी जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।